नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 28 ही करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। जिसमें फंक्शंस दिया गया साइन 4x, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन 4x। ओके, अब दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ फंक्शंस में क्या है, साइन है, यहाँ पे साइन के साथ यहाँ 4x है। दोस्तों हम लोग के पास में फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन 4x का फॉर्मूला नहीं है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों कि जब साइन के साथ x होता है तो कॉस के साथ क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। ओके, तो देखिए यदि साइन के साथ x होता तब कॉस के साथ क्या लगता, x लगता। लेकिन यहाँ पे साइन के साथ तो x तो नहीं है, इसका मतलब है ये कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन है या फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि साइन के साथ यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है, 4x है। तो देखिए अब लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स यदि रहता तो क्या होता, कॉस एक्स होता। तो ये समझिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो पहले साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स जब कितना है 4x इंटू, अभी किसका हुआ है, साइन का हुआ, 4x का तो अभी बाकी है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x। फिर से दोस्तों समझिए, यहाँ पे हम लोग को साइन 4x का डिफरेंशिएट करना था। हम लोग के पास फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे क्या था, 4x। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएट किया था कॉस x के जगह पे यहाँ पे था 4x, तो 4x को हम लोग कॉपी कर दिए इनटू, अब किसका होगा, 4x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x हो गया। अब आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 4x इनटू, अब यहाँ पे देखिए 4 जो है सो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है, ये बाहर हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। आगे देखिए अब इसे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस 4x इनटू 4 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4 cos 4x। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम लोग दिया गया कॉस 5x दिया गया है। सब पहले हम लेट करेंगे लेट y इक्वल टू कॉस 5x। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 5x। अब दोस्तों देखिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है किसका है, कॉस में d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हम लोग को पता है, कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे देखिए क्या है, 5x है, ये समझिए कि x है। तो कॉस एक्स यदि होता तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या, सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स के जब कितना है, 5x, तो 5x कॉपी हो गया इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा 5x। ओके, आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू, देखिए कांस्टेंट और ये वेरिएबल प्रोडक्ट में है, जब कभी हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग क्या मिले, प्रोडक्ट मिले या डिवाइड मिलेगा, तो हम लोग क्या करें, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। 5 बाहर हो गया तो बचा डी वाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे x। देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 5x इंटू
फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइव इंटू वन फाइव, पीछे साइन माइनस फाइव का है, पीछे साइन क्या माइनस का, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस फाइव साइन फाइव एक्स। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग कह रहा है कि टेन थ्री एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम क्या कर लेट करेंगे कि लेट वाई इक्वल टू टेन थ्री एक्स, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एल एच एस में भी लग जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि टेन थ्री एक्स, ओके। और दोस्तों देखिए फंक्शन यहाँ पे क्या दिया, टेन दिया गया है, तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ पे टेन के साथ एक्स रहेगा तो सेक स्क्वायर के साथ एक्स लगेगा, यहाँ पे टेन के साथ यहाँ पे थ्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन का पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स जब कितना थ्री एक्स हो जाएगा, ये समझिए कि यहाँ पे एक्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे टेन का करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे आप कितना है थ्री एक्स इंटू, अभी किसका हुआ टेन का हुआ, थ्री एक्स का तो बाकी है, डी वाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स। क्योंकि हम लोग दोस्तों चेन रूल से एक बार में एक ही फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर पहले क्या किया टेन का किए हैं और फिर क्या करेंगे थ्री एक्स का करेंगे, ओके। अब आगे देखिए तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थ्री एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है कॉन्स्टेंट है, थ्री बाहर आ जाएगा, हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। आगे देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थ्री एक्स इंटू थ्री इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा वन, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा थ्री सेक स्क्वायर थ्री एक्स। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग ये दिया गया कॉस एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स टू, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि कॉस एक्स क्यू, ओके। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स यदि होता तो इसका आंसर क्या होता है माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए डी से वाई को मल्टीप्लाई की डी वाई अपॉन बाई डी एक्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कॉस का करेंगे, ये समझिए कि पूरा क्या एक्स है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स क्यू है इनटू, अब किसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का, सबसे पहले हम लोग कॉस का किया, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस का किया यहाँ पर हो गया माइनस साइन और एक्स की जगह पर यहाँ पर कितना था एक्स क्यू, तो एक्स क्यू कॉपी कर दिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। अब आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करेंगे एक्स टू द पावर एन पे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स क्यू का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एन की जगह यहाँ पर कितना थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स क्यू का, यहाँ पर लिख लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव हमें ये दिया है कॉट स्क्वायर एक्स दिया गया है, सबसे पहले हम इसको क्या करें लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सबसे पहले जब हम लोग को पावर में रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करें पावर को सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए कि एक्स है, एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पावर को पहले सॉल्व करें, जब हम लोग को रहेगा ना यहाँ पे देखिए जैसे किसी चीज़ में पावर यदि रहेगा सबसे पहले हम क्या करें पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा देखिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
both side with respect to x, we get, तो देखिए हो जाएगा d upon dx of ये y equal to हो जाएगा d upon dx of cot x का whole square, ओके okay? अब देखिए इससे आगे तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy upon में dx, देखिए x का पावर n का फॉर्मेट है, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कि x का पावर n का फॉर्मेट है, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए, n x टू द पावर n माइनस वन, तो n है यहाँ पे कितना 2, ये x है, n x यानी कि x की जगह पे कितना है cot x का पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा जो जिसमें पावर रहेगा यानी कि cot x, फिर समझिए यहाँ पे देखिए जब कभी भी हम लोग को पावर में क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम क्या करें पावर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझिए कि x है, x का पावर n का फॉर्मेट यानी कि n x x से अभी यहाँ पे कितना cot x का पावर n माइनस वन टू माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसपे पावर था, किस पे पावर था cot x पे, तो cot x यहाँ पे लिख लीजिए, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू cot x का पावर टू माइनस वन, तो पावर कितना हो जाएगा वन ही हो जाएगा, फाइनली टू cot x ही हुआ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, ओके अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे माइनस n को पहले कर लीजिए, हो जाएगा माइनस टू cot x इंटू cos x स्क्वायर x, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ये दिया गया 10 क्यूब एक्स दिया गया, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट ये y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, आगे देखिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं 10 एक्स का पावर 3। अब यहाँ पर देखिए पावर वाला क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करें पावर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डिफ्रेंशिएशन में जब कभी दोस्तों पावर वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्या करें पावर को सॉल्व करेंगे, तो जगह डी वाई डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि टेन एक्स का होल क्यूब, ओके हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये समझिए कि एक्स है, एक्स का पावर एन, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एन यानी कि थ्री, एन क्या होता है जो पावर होता है एक्स, एक्स के आप कितना है टेन एक्स का पावर एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन एन टू, अब किसका हो डी बाई डी एक्स, अब जिसमें पावर था पावर किस पे था टेन एक्स पे, यहाँ पर टेन एक्स को कॉपी कर लीजिए, फिर से आप समझिए कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना था टेन एक्स का पावर थ्री का, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए टेन एक्स को समझिए एक्स, ये एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है, तो एन थ्री एक्स के जगह पर यहाँ पर टेन एक्स का पावर थ्री माइनस वन यानी कि एन माइनस वन हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा जिसमें पावर था यानी कि टेन एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए फाइनल का आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री टेन एक्स का पावर कितना हो जाएगा टू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री टेन एक्स का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का स्क्वायर करें टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया टेन रूट अंडर एक्स, लेट कर लीजिए इसको, लेट ये y इक्वल टू टेन रूट अंडर एक्स, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि टेन रूट अंडर एक्स, आगे देखिए तो हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, डी से वाई को मल्टीप्लाई किया डी वाई अपॉन में डी एक्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टेन का करेंगे, ये समझिए पूरा क्या ये एक्स है, टेन के बाद जो कुछ भी एक्स है,
तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। सब पहले टेन का करेंगे सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे आप रूट एक्स कॉपी कर लीजिए इन टू। अब किसका होगा डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स का। फिर समझिए कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया टेन का डिफ्रेंशिएट किया तो टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह पर यहाँ पर कितना है रूट एक्स है तो टेन का किया तो यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर रूट एक्स कॉपी कर दिए इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर ये रूट एक्स इन टू। दोस्तों देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स याद रखिएगा इसका होता है वन अपॉन में टू रूट अंडर एक्स। चाहिएगा तो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं कैसे देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर वन बाई टू। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेट आ गया एक्स का पावर एन का फॉर्मेट आ जाएगा ये हो जाएगा एन एक्स का पावर एन माइनस वन। आगे सॉल्व कर लीजिए वन बाई टू एक्स का पावर कितना इसका एलसीएम लेंगे तो वन माइनस से टू जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू। इस नेगेटिव पावर को क्या कीजिए नीचे शिफ्ट कर दीजिए क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन क्या एक्स का पावर वन बाई टू हो जाएगा। आगे देखिए वन अपॉन टू इंटू वन एक्स का पावर वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं फाइनली वन इंटू वन वन अपॉन में ये टू रूट अंडर एक्स। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स कितना होता है वन अपॉन टू रूट अंडर एक्स होता है। इसका फाइनल आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन में टू रूट अंडर एक्स। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट हम लोग को दिया गया ई टू दी पावर एक्स का पावर फोर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का पावर फोर। अभी हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि ई टू दी पावर एक्स का पावर फोर। दोस्तों हम लोग जानते हैं ये एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन तो जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही होता है। यहाँ पे समझिए कि एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स का पावर फोर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंट का करेंगे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट का तो एजिटिज होता है ई का पावर एक्स का क्या होता है ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना है एक्स का पावर फोर इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा एक्स का पावर फोर। फिर समझिए सबसे पहले क्या कि एक्सपोनेंट का किया है एक्सपोनेंट का क्या होता है एज इट इज ई का पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स। देखिए ई का पावर एक्स एक्स के जगह कितना एक्स का पावर फोर कॉपी कर दिए इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा एक्स का पावर फोर का। आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का पावर फोर इन टू देखिए ये किसके फॉर्मेट पे है एक्स का पावर एन यानी कि एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है बताइए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना। ये फाइनली हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का पावर फोर इन टू ये हो जाएगा फोर एक्स क्यू। ओके तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को या तो इतना पर भी छोड़ दीजिए इसको पर लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए तो जगह फोर एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स का पावर फोर। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीके से आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के जरिए बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।